हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तबसुम डायरीज। तो आज है चांद रात, तो आप सबको चांद रात मुबारक हो, आप सबको चांद मुबारक हो। और मैं दुआ करूंगी और आप सब भी दुआ करिए कि ये पाक महीना जो गया है, सबकी इबादत कबूल हो, सबकी दुआएं कबूल हो और सबको मतलब हमेशा सलामत रखे और हर बीमारियों से शिफा अता फरमाए, और कोई भी किसी वजह से मुसीबत और परेशानी में फंसे उनको जल्दी से उस चीजों से राहत दिलाए। तो ये चांद रात, ये न्यू जो बिगनिंग है, ये आशा करते हैं सबके घरों में खुशी आए, सबके घरों में बरकत आए। आज के दिन मतलब चांद रात के दिन से कल तक सबके घरों में खुशी आना चाहिए, किसी भी के घर में किसी भी तरह के दुख ना आना चाहिए, ऐसा दुआ करें आप सब। तो चले आज मेन मुद्दा जो है उस पर बात करते हैं। तो आज है चांद रात और आज के दिन ही फाइनली 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 शॉपिंग हो गया है कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी पापा का, क्योंकि पापा ने घर पे हमारे फास्ट किए थे, मैं भी उतना नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरे भी कुछ हेल्थ इश्यूज थे और अम्मी भी नहीं रख पाए थे क्योंकि मम्मी को डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली, क्योंकि उनको जस्ट स्टार्टिंग में उनको डॉक्टर ने बोला था कि ये आपका मम्मी का डाइजेस्टिव में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया है, जिनकी वजह से अगर मम्मी स्टार्व करेंगे, भूखे रहेंगे, तो उनको मतलब अल्सर टाइप बीमारी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से डॉक्टर ने उनको स्ट्रिक्टली मना किए हैं, तो वो भी नहीं किए हैं। और भैया रहते हैं बाहर और कुछ भी रीजन हो, बट रीजन है उनको ट्रैवलिंग करना पड़ता था, जिनकी वजह से वो भी नहीं रख पाए। और मेरी बहन ने रखा है मुकम्मल, मेरी बहन ने पूरा रोजा रखा है और छोटी सी बहन है मेरी और पापा रखे। हमने फाइनली शॉपिंग की और पापा ने हम सबको मतलब शॉपिंग करवाए हैं। बट पापा जो पूरे मंथ में रोजा रखे हैं, वो खुद कुछ शॉप नहीं किया, मतलब कुछ भी शॉपिंग नहीं की, कुछ भी चीज नहीं खरीदे। तो ये रोजा असली इस मतलब ईद का हकदार रोजेदार होते हैं, जो रोजा रखे हैं, जिन्होंने पूरे महीने इबादत किए हैं, उनके लिए होता है। तो पापा ने कुछ भी नहीं खरीदा, तो हम कैसे मतलब पापा कुछ नहीं खरीदा, हम कैसे रह सकते। तो आज मैं और मेरे भैया जो है दोनों गए थे पापा के लिए कुछ खरीदने के लिए, और बहन भी गई थी। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या हमने खरीदा है। तो हमें ऑलरेडी मतलब ऑफर में था तो बैग मिला, तो सूटकेस के अंदर में था। तो सबसे पहले ये पैंट खरीदे हमने, ठीक है। तो ये जीन्स का पैंट है और कलरफुल है, जो हमने पापा के लिए चूज किया क्योंकि पापा ऐसे फॉर्मली जीन्स नहीं पहनते हैं, तो हमें वो पीस लेके खरीद के बनाना पड़ता है। तो इसीलिए हमने कहा कि नहीं भैया ये अच्छा लग रहा है, ये हम लिए हैं। ये पहले है पापा के लिए पैंट, ज्यादा कुछ नहीं लिए हैं, बस दो ही लिए हैं ये। और ये शर्ट, ये जो मतलब पापा ट्राई कर रहे थे तो ओपन कर दी, ये शर्ट खरीदे हैं, ग्रीन कलर का है। ऐसे ही भैया भी लिए हैं, दो ट्रेनिंग करके लिए हैं भैया और पापा दोनों लिए। भैया बोले कि नहीं चलो मतलब फर्स्ट टाइम है ट्रेनिंग करके पहनेंगे पापा और भैया। तो ये हो गया पार्ट। और मतलब वहां पे ऑफर था कि टू शर्ट के साथ एक आप फ्री है, तो भैया अपने लिए चूज किए हैं, ये वाला भैया चूज किए हैं। ये ब्लू कलर का है, देख सकते हो चेक में है। और भैया अपने लिए जीन्स लिए थे, भैया अपने लिए जीन्स लिए। तो ये हो गया है बॉयज का पार्ट, मतलब पर में मिला था मतलब हमें कि 4000 के ऊपर आप कुछ भी लेंगे तो आपको मतलब ऑफर में मिलेगा। तो ये बैग हमें ऑफर में मिला था। और वहां से हम और एक चीज लिए थे, मतलब बहन के लिए ये स्कर्ट लिए थे, तो ये बहन पहन सकती है या फिर बहन पहन सकती है, मतलब मैं भी पहन सकती, आई कैन ऑल्सो ट्राई, टॉप सीक्रेट, बहन को नहीं बताना। तो ये पार्ट हो गया है। तो अभी मतलब मेरे जो मझले पापा हैं, मतलब मेरे सेकंड वाले जो पापा हैं, उन्होंने पापा को गिफ्ट किया है, मतलब ईदी दिए हैं। तो उन्होंने क्या दिया चले देखते हैं। तो चाचू ने गिफ्ट किया है पंजाबी, ओके। तो शेरवानी गिफ्ट किया, ये व्हाइट कलर का है। तो ये फर्स्ट टाइम मझले पापा ने मतलब मेरे पापा को, मतलब मेरे पापा सबसे बड़े हैं, मझले पापा सेकंड वाले पापा है, तो मझली पापा ने ये पापा को ईदी दिए हैं। तो है ना कितनी अच्छी बात होती है, मतलब जब हम बड़े होते हैं तो हम छोटों को देते हैं ईदी, और जब छोटे कमाने लगते हैं और जब वो ईदी देते हैं, वो एक फीलिंग अलग होता है, लाइक कि हमने उंगली पकड़ के मतलब
चलना सीखा है। तो जो वो उंगली पकड़ के चलना सीखा है, जब वो हमें कुछ ईदी देते हैं अपने इनकम से, अपने सैलरी से, तो वो जो एक फीलिंग होता है ना, मतलब दैट्स फील लाइक हेवन। ओके, तो ये पापा के लिए भी सरप्राइज होगा, क्योंकि चाचू ने दी, अभी तक पापा घर आए नहीं है, अभी 12 बजने जा रहे, अभी तक पापा आए नहीं, तो हम अभी शूट करें ताकि जल्दी जल्दी हम शूट करें, फिर हम मेहंदी पहने। ओके, तो फिर अब हम, ये हो गया है बॉयज सेक्शन, अब हम हमारे घर की जो छोटी टिंकू लड़की है, मेरी बहन, वो चटपटी नटखट सी, उसका देखेंगे। उसको कितना भी दिला, उसका मन भरता ही नहीं, भरता ही नहीं। तो अब देखते हैं उसका ड्रेसेस, फेंको, देख लो, ये होता है फेंक के मारो मुझे, ना करूं ऐसा। तो ये है उसका फर्स्ट ड्रेस, दिस इज द फर्स्ट ड्रेस, ये येलो कलर का ड्रेस है, ये फ्रॉक टाइप है, इसके नीचे सरारा है, इसके नीचे ऐसे काम किया हुआ है, और ये सरारा टाइप है, और ये फ्रॉक है, एंड सबसे बेस्ट पार्ट उसका दुपट्टा, आई लाइक द दुपट्टा। मेरा ही ड्रेस, करीना कंजूसी मंडे है, आई एम लुकिंग सो गुड। कलर का है, ठीक है, ये येलो कलर का एक कुर्ती है, मतलब कॉटन है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, एक ब्लैक कलर का लिए थे, ये भी मतलब 300 रुपीज में मुझे मिला था, ये काम है, मतलब वही, ये मुझे 300 और वो भी 300, तो लगभग ये 300 में मिला था। और एक है, तो हैवी वाला जो ड्रेस है वो देखते हैं, तो हैवी ड्रेस का है, ये ऊपर का कोट है, दिस इज द कोट पार्ट, एंड ये थोड़ा सा हैवी है, दिस इज द गाउन, ये गाउन, और इसके ऊपर ये कोट आएगा, ये आएगा ऐसे। तो ये लगभग मुझे 3000 रुपीज पड़ गया था, तो ये 3000 का, और वो जो बाकी है ऐसे घर पहनने के लिए। और मैंने स्कर्ट ऑलरेडी दिखाया है कि स्कर्ट मैंने खरीदा था, कि ताकि जो कुर्तीज वगैरह लिए उसके साथ ये कर सकते। इसके नीचे लेस लगा है बहुत सुंदर सा, ये मुझे 750 रुपये, 750 रुपीज पड़ गया था ये, ठीक है। और एक है जो है ब्लैक शर्ट, जो ऑनलाइन शॉप के थे, ये 300 रुपीज पड़ा था, ठीक है। तो ये हो गया है मेरी बहन का शॉपिंग। चले देखते हैं मम्मी का कौन सा कॉटन का ड्रेस था, ठीक है। तो मम्मी का कॉटन का ड्रेस दिलाई थी, तो ये मतलब पजामा है, मतलब पटियाला बनाया है, और इसके ऊपर का ब्लैक कलर का है, ये कुर्ता है, और इसके नीचे में ये सेट किया हुआ है, और दुपट्टा इसका ब्लैक एंड ये बहुत ही सुंदर है, ये मतलब मम्मी को मैंने मम्मी को ये दे दिया है, मतलब मैंने मम्मी को गिफ्ट किया है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत इनकम करती हूँ, मैं प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, तो वहां से मैंने कुछ सेविंग्स करके मैंने बहन को कुछ गिफ्ट किया है, मम्मी को कुछ गिफ्ट किया है, और अभी तक भैया को और पापा को मैंने मतलब दिया है मैंने, तो उनको ये दे दिया है, ठीक है। अभी ये हो गया मम्मी का, सेकेंड वाला ड्रेस मैंने क्या लिया वो देखते हैं। तो ये मम्मी का ड्रेस है, ये मतलब दुपट्टा है, ये मम्मी को मैंने दिया, मम्मी को मतलब, हालांकि मम्मी को पसंद है, क्योंकि थोड़ा सा एज हो गया, तो मम्मी हिचकिचाहट हो रही है उनको ये ड्रेस पहने में, बट कोई ना, मम्मी को, भैया और पापा को भी पसंद आया जो ड्रेस मैंने दिया है, ये है, ये बहुत प्रिटी कलर है, मतलब प्योर रानी कलर जो होता है, क्यूट वाला रानी कलर, ये चेस्ट में काम किया हुआ है, और ये बॉटम में आप देख सकते हो, बॉटम में ये मिरर टाइप वर्क किया हुआ है, एंड ये 3/4 हैंड है। तो ये मुझे बस फ्रॉक ही मिला है, ये समथिंग वही 900 रुपीज लिए हैं, और दुपट्टा मुझे अलग से खरीदना पड़ा, ये दुपट्टा नेट का है, ये भी दुपट्टा काफी अच्छा है यार, मैंने क्या के ऊपर सब गौर से देखिए तबसुम के शॉपिंग। अब मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है वो देखते हैं। मैंने बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं की हूँ, बट मेरा वाला, तो सबसे पहले वो जो लखनवी कुर्ती आता है वो मैंने लिया है, ये मतलब नेट वाला, जो
एक्चुअली ये मैं बहन के लिए लेकर आई थी, बट वो जो शॉप ओनर थे उन्होंने मतलब क्या बोलूं यार, इतने बदतमीज और बेहियात थे वो ओनर। उनको मैंने कहा कि भैया ये होगा नहीं, आप इसका स्मॉल साइज दे दीजिए। बोलते हैं नहीं नहीं अब हो जाएगा, आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं होगा। अरे भाई मैं परचेस कर रही हूँ, मैं मनी दे रही हूँ, मेरी बॉडी पे फिट आएगा कि नहीं मुझे मालूम है ना आपको। और मुझे ये वाला ड्रेस आसपास कोई शॉप में नहीं दिख रहा था यार, तो जब नहीं हो पाया तो लास्ट में बोल दिया फिर रहन दो, मैं नेट से ऑर्डर कर लूंगी, ऑनलाइन शॉपिंग कर लूंगी, आप ही रख लो। तो ये मेरा है, इसके अंदर पे इन्हें भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये मेरा फर्स्ट, और सेकंड जो है ये मेरा है सेकंड सा ड्रेस, बहुत सिंपल सा है, ब्यूटीफुल सा है, मतलब ज्यादा काम किया हुआ है ना ज्यादा नहीं, क्योंकि जितने सिंपल देखोगे उतने आई थिंक जितने सिंपल लगते हो आप उतने क्लासी लगते हो, उतने हॉट लगते है ना। तो ये मेरा फर्स्ट मतलब सेकंड ड्रेस है, इसका हाथ पे ऐसे किया हुआ है, मैं ईद में पहनूंगी तो आप लोग को जरूर शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हो ये बॉटम का काम है, और इसका नीचे का ये सरारा है, पूरा प्लेन है। तो ये पजामा हो गया, पर इसका दुपट्टा बहुत ही घटिया दिया है, मतलब छोटे इतना घटिया सा दुपट्टा है, बट क्या कर सकते हैं, जब ड्रेस अच्छा होता है उसका दुपट्टा हमेशा खराब ही निकलता है, सही बात है ना। अब चलते हैं मेरा कौन सा ड्रेस, कौन सा नंबर, थर्ड नंबर। हाँ, येलो कलर का ड्रेस है, ये भी सिंपल सा है, ये थोड़ा सा कॉलर टाइप है, ये कॉलर है, और इसके हाथ में भी ऐसे कुछ है। ये मैंने फिटिंग करवाया क्योंकि बहुत बड़ा साइज आ गया था, तो ऐसे है, ऐसे है इसका। मुझे मतलब जो सरारा है इसके सरारा, ये भी सरारा ही है बट इसके सरारा में काम किया हुआ है, देख सकते हो। तो मुझे ये जो दो ड्रेसेस है ये मुझे 50 वाला ड्रेस के साथ, ये दुपट्टा है, इसके दुपट्टे में स्टार बना हुआ है, ये आप देख सकते हो काफी अच्छा है। अब हम देखते हैं कि हमने बैंगल्स में क्या खरीदा। इयररिंग्स का ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया, लिंक भी शेयर कर दूंगी क्योंकि मैंने इयररिंग जो है ऑनलाइन शॉप किया था। तो अभी हम बैंगल्स वगैरह क्या क्या आता है वो मैंने लिया है, ये मतलब नेट वाला जो, एक्चुअली ये मैं बहन के लिए लेकर आई थी, बट वो जो शॉप ओनर थे उन्होंने मतलब क्या बोलूं यार, इतने बदतमीज और बेहियात थे वो ओनर। उनको मैंने कहा कि भैया ये होगा, इतना घटिया सा दुपट्टा है, बट क्या कर सकते हैं, जब ड्रेस अच्छा होता है उसका दुपट्टा हमेशा खराब ही निकलता है, सही बात है ना। अब चलते हैं मेरा कौन सा ड्रेस, कौन सा नंबर, थर्ड नंबर। येलो कलर का ड्रेस है, ये भी सिंपल सा है, ये थोड़ा सा कॉलर टाइप है, ये कॉलर है, और इसके हाथ में भी ऐसे कुछ है। ये मैंने फिटिंग करवाया क्योंकि बहुत बड़ा साइज आ गया था, तो ऐसे है, ऐसे है इसका। मुझे मतलब जो सरारा है इसके सरारा, ये भी सरारा ही है बट इसके सरारा में काम किया हुआ है, देख सकते हो। तो मुझे ये जो दो, तो इसके साथ ये येलो वाला ड्रेस के साथ ये दुपट्टा है, इसके दुपट्टे में स्टार बना हुआ है, ये आप देख सकते हो काफी अच्छा है। देखते हैं कि हमने बैंगल्स में क्या खरीदा। इयररिंग्स का ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया, लिंक भी शेयर कर दूंगी क्योंकि मैंने इयररिंग जो है ऑनलाइन शॉप किया था। तो अभी हम बैंगल्स वगैरह क्या क्या लिए, तो हम शूज क्या लिए वो देखते हैं। तो अभी पहले हम बैंगल्स, मेरे हाथ में लगा तो पहले बैंगल्स शेयर करते हैं। ये है मेरी बहना का बैंगल, मतलब वेलवेट के ऊपर में आया है, ये 30 रुपीज करके पड़ा है हमें एक एक डर्जन। ओके, दिस इज द ग्रीन वन, और फिर उसने ये पिंक वाला, और ये है ग्रीन वाला, इसके साथ हमने वो लिया है, ये वाला लिया है, हमने ऑलरेडी शॉप कर लिया था तो ऐसे कुछ। तो ये है एक ग्रीन कलर है वेलवेट के ऊपर में, और ये जो बाला है ये मिरर का वर्क किया हुआ है, ये पिंक कलर का, और इसके ऊपर में भी बाला जो है। तो ये हो गया मेरी बहन का। तो मम्मी के लिए मैंने लेकर आया था, मम्मी के लिए भी मैंने बैंगल्स लेकर आई थी। हाँ, एक ऐसा प्लेन में लेकर आई थी रेड कलर, और एक ग्रीन में जिसमें गोल्डन का वर्क किया हुआ है, और ये
मम्मी उतना हैवी मतलब नहीं पहनती है कुछ भी, बैंगल्स पहनती है, बट इतना मैं एक दर्जन लेकर आई हूँ वो चार चार तीन तीन पीसेस करके पहनती है, तो उनका हो जाएगा। और मुझे बहुत ही अच्छा हो गया है ये बैंगल्स वगैरह का हो गया। अब हम शूज पार्ट देखते हैं। ज्यादा कुछ हम नहीं किए, ओनली शूज सैंडल वगैरह ही किए हैं, मतलब सैंडल्स में और ड्रेसेस में किया, और ज्यादा कुछ ऐसे मतलब मेकअप वगैरह के लिए कुछ भी नहीं लिए, क्योंकि पहले का जो चीज था वही हम यूज करने वाले हैं। वो अभी तक किसके तरफ, शू के तरफ। हाँ तो अब हम चलते हैं स्लीपर्स के तरफ। तो ये मैंने कैजुअल वेयर के लिए मतलब फ्लैट में लिया है, ये मैंने स्ट्रीट शॉप जो होता है वहां से लिया, और मुझे काफी अच्छी प्राइस में मिला। ये मुझे 200 बोल रहा था, फिर मैं नहीं 150 पड़ा मुझे, और काफी दिन तक लास्टिंग भी करता है मैंने देखा है, और वो हो गया है। ये मैंने मोचड़ी लिया था, ये भी काफी अच्छा है, ये भी 200 बोला था, और फिर मैम नहीं नहीं करके 150 में। तो ये जस्ट फ्लैट में हो गया है, ये मेरा और मेरी बहन हम दोनों का है, तो हम शेयर करके पहनते हैं, हम दोनों काफी अच्छे बहन हैं तो हम शेयर करके पहनते हैं। तो ये वाला हो गया फ्लैट। उसके बाद हील में ये मेरी बहन ने लिया है ब्लैक कलर का, ये मैंने लिया है। इसका मुझे ये जो है अंदर में देखो कितना सुंदर से किया है, ये भी मैंने स्ट्रीट शॉप से लिया, तो ये भी मतलब मुझे क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा लगा। तो ये मुझे दोनों 700 में मिल गया था, 3.5 करके लिए थे। तो ये हो गया हमारा सैंडल पार्ट। और मैंने मॉल गई थी, तो वहां से मैंने एक पर्स लिया था, मतलब स्लिंग बैग ली थी, दिस इज द स्लिंग बैग। ये काफी मुझे अच्छा लगा, ये देखो स्लिंग बैग, ये मैं विशाल जब मैं कॉलेज को वहां जाती तो वहां से ली थी, ये बहुत ही सुंदर है, बट ये मैं ईद में यूज नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने इतने जल्दी में रश में भागी थी। ये जो पीछे का चेन यहाँ पे है ये फटा हुआ है, तो ये जब फटा हुआ है डिफेक्टिव है, तो ये मुझे जाके 15 days का वहां पे टाइम लिमिट रहता है, जाके एक्सचेंज करना, ये मुझे काफी अच्छा लगा। और कुछ ऐसे शॉप नहीं किए हैं, तो चांद्रत है, मैंने आप लोगों के साथ सबके साथ अपने घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, हम 5 फैमिली मेंबर्स, हम सब की शॉपिंग हमने क्या क्या किया है, वो चाहे ड्रेस हो, वो चाहे पर्स हो, चाहे शूज हो, तो ये हमने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। अब हम चलते हैं, हम रात के अभी 12:30 बजने जा रहे हैं, तो हम मेहंदी लगाए। दिस इज द मेहंदी आई एम पुटिंग एंड दिस इज माय सिस्टर भूतनी सिस्टर। हाय गाइस, तो कल मैं एंड करना भूल गई थी वीडियो, तो आज नेक्स्ट डे है, ईद है, तो आज के दिन मैं मतलब एंड कर रही हूँ वीडियो को। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपने ब्लॉग न्यू अगर अपडेट करूँ या अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नाउ फॉर नाउ टेक केयर, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.